बेलतरोड़ी थाना क्षेत्र में एमएससीबी का केबल चोरी करने वाली गैंग को पुलिस ने पकड़ लिया। आरोपी पहले भी इस तरह की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। चोरी गए 55,708 रुपए के केबल सहित पुलिस ने 8,81,000 रुपए का माल जब्त किया है। चोरी गए 55,708 रुपए के केबल सहित पुलिस ने 8,81,000 रुपए का माल जब्त किया है। पकड़े गए आरोपियों में नई बस्ती टीका निवासी मोहम्मद रिजवान उर्फ अरमान जमाल अंसारी, यशोधरा नगर निवासी ख्वाजा पाशा अहमद शेख और कोलबा स्वामीनगर बिना की मंगलवारी निवासी दिनेश और पप्पू सूरजलाल शाहू का समावेश है। 22 अक्टूबर की रात आरोपियों ने बेलतरोड़ी के रेवती नगर में चल रहे एमएससीबी के अंडरग्राउंड केबलिंग के साइट्स केबल वायर चोरी किए हैं। पुलिस ने एमएससीबी के मंगेश गुर्दे की शिकायत पर मामला दर्ज किया। इस तरह की वारदातों में पहले भी पकड़े जा चुके चोरों पर पुलिस ध्यान केंद्रित किया। तीनों आरोपी की जानकारी निकाली गयी। पुलिस स्टेशन 10-20 रोजी केबल चोरी से आमच्या इकडे तक्रार आली होती। केबल चोरीसाठी त्यांनी टाटा एस या गाडीचा वापर केला होता। त्या टाटा एस गाडीचा आम्ही क्ल्यू पकडून त्याच्यावरून 3 आरोपींना अटक केली आहे। त्याच्यात एक केबल चोरीचा म्हणजे मुख्य आरोपी आहे, तो त्याच्यावर 15-20 केबल चोरीचे गुन्हे दाखल आहेत। त्याचे नाव मोहम्मद रिजवान उर्फ अरमान, मोहम्मद जमाल अन्सारी हा टेकावस्थित राहतो, दुसरा ख्वाजा पाशा अहमद शेख हा यशोधरा नगर हद्दीत राहतो आणि दिनेश सूरजलाल शाहू हा बिना की मंगळवारी राहतो। यांच्याकडून आम्ही चोरी केलेला संपूर्ण माल केबल आणि 2 टाटा एस त्यांनी या गुन्ह्याकरता वापरलेले, तसेच एक मोटरसायकल, असा 8,81,000 माल हस्तगत करण्यात आलेला आहे आणि पुढील तपास सुरू आहे। कॅमेरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागडे के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, NBC News, नागपूर।